বাবুল সুপ্রিয় জেতার পথে, এই যে এতটা ভোট কমে গেল প্রায় মোর দ্যান 50,000, কি বলবেন? তো আমি এটা বলছি দ্যাট ইহাঁ পে জো হ্যায় जो पार्टी को भी देखा गया लेकिन कैंडिडेचर को भी देखा गया और मुझे बहुत एक गर्व महसूस होता है कि मैं अलग अलग जो सेक्शंस हैं, क्षेत्र हैं समाज के, उन सब को जो है आई कुड समहाउ विन द हार्ट्स, मैं उनके जो है दिलों को जीत सकी और इतने बहुमत से जो है टक्कर की लड़ाई लड़ सकी ऐसे कैंडिडेट के साथ जिनका पूरा गवर्नमेंट मशीनरी, स्टेट मशीनरी उनके साथ था। जैसे आप लोगों को पता है, हम लोगों के सीपीआईएम के 7 अहम प्रोग्राम कैंसिल किए गए और ठीक तरह से कैंपेन हो नहीं पाया, रोक टोक चल रही थी, हैरेसमेंट चल रही थी, मेंटल हैरेसमेंट, जिसकी वजह से मैंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस दिए। तो उसके बावजूद लेफ्ट ने बहुत ही बेहतरीन एक मकाम इस इलेक्शन में जो है लेफ्ट ने एक मकाम पाया है जो एक सिग्नल देगा बाकी इलेक्शंस को कि लेफ्ट ही है जो एक बेहतरीन एक अल्टरनेटिव है और जो टीएमसी को एक टक्कर की लड़ाई देगा या बीजेपी को एक टक्कर की लगाई देगा। देखिए बीजेपी का जो सांप्रदायिकता का शासन दे रहा था, हमने एकदम उसको वो कर लिया है, शून्य में चला गया बीजेपी। और यहाँ पे जो ताकतें थीं जो इस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करी थी कि वो नंबर 2 में आए, अल्टरनेटिव आए, ये सब जो नैरेटिव्स को हमने फेल कर लिया है। हमने बहुत अच्छी एक टक्कर की लड़ाई दी है और हमें गर्व ये महसूस होता है कि हम लोग जो है अपने अपने प्रिंसिपल्स के साथ लड़े हैं। अपने जन समर्थन व्यापक भावे बेरेचे প্রচুর মানুষ আমাদেরকে ভোট দিয়েছে, তো আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাইকে। জেসে হমনে কহা কি সিপিআইএম কে যে ভোট শেয়ার হ্যাঁ 64-65 মে বড়া হ্যাঁ और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एक संदेश दिया गया है कि अभी सीपीआईएम ही मेन अपोनेंट है टीएमसी का। पहले एक वो नैरेटिव चल रहा था कि बीजेपी दूतोस्ताने जीत पे, तो ये जो है एक हमने नैरेटिव चेंज कर लिया है अपनी जो बहुत बेहतरीन जो हमारी लड़ाई रही है एक महीने से। आप देख लीजिए पूरा स्टेट मशीनरी टीएमसी के साथ था और रिगिंग की भी बहुत जगह से हम लोगों को न्यूज़ आ रही थी। सारे टीएमसी के बड़े बड़े नेता मैदान पे उतर आए थे कैंपेनिंग करने के लिए, तो आप सोच लीजिए उनकी जो हालत जो थी बहुत ही ख़राब थी, जो वो एक महिला नारी महिला कैंडिडेट से इतना डर गए थे, इतना भयभीत थे, और कि उनको जो है इतने बड़े बड़े नेताओं को लाना पड़ा ज़मीन पर मेरे खिलाफ़ लड़ने के लिए। कितनी कितनी कॉन्स्पिरेसी थियोरीज फ्लोट हो रही थी, लेकिन तब भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे जो रोज़ेदार भाई बहन आए निकल के गर्मी के मौसम में, रमज़ान के महीने में, और वो भी निकले और बहुत ही बेहतरीन मुझे जो है वोट जो है दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आम जनता के, सीपीआईएम के, पूरे लेफ्ट के, जो ट्रेडिशनल लेफ्ट है और जो ट्रेडिशनल लेफ्ट नहीं है, और जो सिविल सोसाइटी है जो बहुत बड़ी तादाद से निकले और मुझे जो है बहुमत से वोट दिए। हम लोग दूसरे पोजिशन पर हैं, लेकिन एक उम्मीद की ये बात है कि हमने जो लेफ़्ट की जो वोट शेयर है काफ़ी तलाश से बढ़ी है। हम लोग जैसे पहले 5-6% पे थे पिछले इलेक्शन में, तो वो हम लोग 30% से ज़्यादा हमें जो है वोट दान किया गया है। उससे ये साबित होता है कि अभी जो है बंगाल में लेफ्ट ही एक अल्टरनेटिव बचा है, जो टीएमसी की जो सांप्रदायिकता का शासन और जो उनका जैसे शासन चल रहा है, जो अलग अलग जो आरोप लगे हैं करप्शन वगैरह के, उनके खिलाफ जो है अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ लड़ सके, राइजिंग प्राइसेस के खिलाफ लड़ सके, करप्शन के खिलाफ लड़ सके, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ सके, और जो अन्य मुद्दे हैं उनके साथ उनके खिलाफ लड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।